सिरी पे फरियाद मिट गयो हाथ कछु नहीं आया। पहुंचे देखा कि 17-18 साल की लड़की जिसकी रोते रोते आंखें सूज गई, कहने लगे अरे जकुआ तुम कैसे गिर पड़ी हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। देवयानी कहने लगी मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते होंगे, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य जी है, दासी को देव यानी कहते हैं। और प्रस्तरवा की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधे कुआं में ढकेल के चली गई।
राजा याद करने लगी, बाप शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता है, वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण है। अंदर गए और कलाई पकड़ के बाहर लेबाल आए। जब बाहर लेबाल आए और कहा कि जाओ, ऐसी गंदी लड़की के साथ कभी खेले मत आना। देवयानी हुई पे बैठी, कान लगी अब हम कहां जाएं, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। देवयानी कहने लगी हमारे घर अब कछु नहीं है, अब जो कुछ हो सब तुम ही हो। क्या मतलब? देवयानी कहने लगी महाराज, आज समाज की लड़की जिसे अपनी एक बार कलाई सौंप देती है, वो कलाई दोबारा किसी और को नहीं पकड़ने देती। राजा याद कहने लगे बाप, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैंने तुझे कुआं से निकाल लिया, तू मेरे गले से लग जा, और फिर ये विलोम शादी कैसे हो सकती। मैं एक जात का यादव और तू एक ब्राह्मण की लड़की। कहने लगी महाराज, मुझे कच्छ का श्राप लगा, ब्राह्मण वंश का कोई भी लड़का मुझे अपनाएगा नहीं। महाराज याद खड़े रहे खड़े रहे, जो थर के झटका मारा, घोड़ा पे जा करके बैठे। देवयानी कहने लगी पिया, बांह छुड़ा के तो जा रहे हो, जब तुम मेरे दिल से बाहर निकल जाओगे तब मैं बात समझूंगी। और कहा बोलो, आ जाओ तुम्हें हमारी कसम हो, कछु करो, आ जाओ। कतई ना है, कहाँ चले गए? वहीं चले गए हम। कहाँ? दामोदर। चले गए और देवयानी जिस समय अपने घर पहुंची, शुक्राचार्य कहने लगे बेटी रात भर कहां रही हो, रात में कहां रही हो। देवयानी ने खुले शब्दों में कह दिया कि बाबू, तुम्हारे चेला की लड़की ब्रजवर्मा की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधेर कुआ में ढकेल के चली गई, मैं पूरी रात कुआ में पड़ी रही। शुक्राचार्य जी कहने लगे अच्छा, इसका मतलब मेरे चेला के दिमाग खराब हो गए,
एकदम से अपनी बेटी को लिया, अपनी पत्नी को लिया और निकल पड़े। इधर बृहस्पतिवार को जब पता चला कि गुरुजी लूट के जा रहे हैं, बृहस्पतिवार एकदम से आया और बोला, गुरुदेव का बात है, बड़ी गुस्सा में नजर आए, का बात है? हाँ गुरुदेव, मेरे पीतांबर को छोड़ो। पीतांबर को नहीं छोड़ेंगे, मेरे पीतांबर छोड़ो, पीतांबर को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी दुनिया निकल कर चले जाएंगे, लेकिन अब तेरे राज में पानी नहीं पिएंगे। मेरे पीतांबर को नहीं छोड़ेंगे, मेरे पीतांबर छोड़ो। रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी, बताओ बात का, बात तो बताओ। तुम्हें बात नहीं मालूम? हमें बात मालूम नहीं, सुनो बताओ। मंगा हमें बताओ है, जो करो क्या? बहुत अच्छा किया। कर तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे कुएं में ढकेला और मुझे भीख मांगा बताया। मेरे पिता को छोड़, बात सुनो, बात सुनो, मेरे पिता को छोड़, बात सुनो, बात सुनो। तुम भीख मांगा न होते तो कुसमरा से यहाँ तक मांगने के लिए हम भैया तुम्हें हाथ जोड़ रहे, मुझे जाने दो। हम भैया हाथ पाए दो जोड़ रहे, तुम जाओ, मेरे पिता को छुड़वाओ। रुको रुको, जान दे बुढ़िया कहा जा रहा, कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण को साकरे भी नहीं बांध पाएगी। साकरी बात कर रही? हाँ। मछली मरे वालों जान दे को, अगर ऊपर डाल दो तो फड़फड़ा फड़फड़ा मरी हो। तो भाई मुझे जाने दो, मुझे क्यों रोक रहे? हम रोके नहीं है, तुम जाओ। गुरु जी एक मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। हाँ सुनाओ। तेरी बेटी ने मुझे भीख मंगा बताया, तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे कुआ में ढकेला। तेरी बेटी को अगर कोई कुआ में ढकेल देता तब तू क्या करता? वो मार के एक बिटी चांद ऊंची कर देते। कह रहे तो अपनी बिटिया प्यारी, मुझे अपनी बिटिया नहीं प्यारी। कुछ उपाय निकाले, लेकिन जाने नहीं देंगे। कोई उपाय नहीं, हम नहीं रहेंगे। ब्राह्मण का अपमान होता, बाप रहना नहीं चाहिए। तो अपमान नहीं, हम सम्मान करें, आपकी पूजा करेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर मुझे रोकोगे तो एक शर्त तुम्हें मंजूर करनी पड़े। क्या शर्त है? करोगे? बिल्कुल। जब मेरी बेटी की शादी हो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी संग बांधी बन करके जाए तो तुम्हें रुकूंगा, अन्यथा मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। गुरु जी बात तो अच्छी कही, लेकिन जब बिटिया के स्तर की बात है, बेटी को पूछने पड़ेगी। बिटिया चंपकली, क्या है पिताजी? का करती बिटिया? कछु नहीं, तुम्हारा घुटन ना फटियो ता में ठंगरा लगाए रे। हां जब बगरू आम तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। काय काय है? का कर रही है? तुम बताओ का कर? जब बताओ, गुरुजी की बिटिया की शादी होगी और शादी होकर के जब घर जाएगी तब तुम दासी बन के साथ में जाओगी? हम का उमरी परीक्षण के नहीं जाऊंगी। मुझे जाने दे। जा गुरु जी, जा बिटिया है भैया, हमें जाने, तेरी बेटी मना कर रही है। हमने बड़े लाड प्यार से पाली, हम समझाएंगे, बच्ची मेरी है, बिटिया मेरी है। बिटिया और तुम जयो नहीं तो गुरु जी लूट जाएंगे, ये श्राप दे देंगे। तुम देख नहीं रहे कितने मोटे ताजे हैं और हम कितनी दुबारी पत्नी है, जो मेरे ऊपर अगर बैठी है तो मैं भी नीचे दस सकती है तुम्हारी। बिटिया चली जाइए, हुए चली तो जाऊंगी, मेरी एक शर्त है पिताजी। तुम्हारी शर्त है? ये गुरु जी की शर्त, ये तुम्हारी शर्त? क्या शर्त है? मैंने कहा मैनपुरी जाऊंगी। मैनपुरी? मैनपुरी का करने जाइयो? एक ब्यूटी पार्लर एप्रो सेटिंग करवाना है। कितनी बड़ी बड़ी हुई लाओ कृपा लेके हम ही हमारा उठ दे। अच्छा गुरु जी, बिटिया मेरी तैयार है। तैयार है? तैयार है। हाँ ठीक है। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित, इधर देवयानी की जब से नजरे चार भाई हैं, बिटिया ना तो रोटी खाए ना पानी पिए, बना बना के बड़ा दूली पतली हुई है। एक दिन शुक्राचार्य कहने लगे, बिटिया देवयानी, क्या है पिताजी? एक बात मुझे बताओ। बताओ टाऊ। तुम्हें कतई भूख नहीं लगत का? अब तुम्हें मालूम नहीं, हम टामों के चक्कर पागल है गए। मुझे टामों तो प्यार है गो। तो तुम शादी करो? शादी नहीं तो गोनो कराए दो, नहीं तो लव मैरिज कराए दो। तुम्हारी के सब मुंह पर रो नहीं जा। अरे पेट में बबूका से फूट नहीं।
तो तुम जब बात मुझे पहले ही बता देती। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी बिटिया शादी के लिए आ गई। तुम्हारी कसम मुझ प्यार है गो। किनसे? अलवेला दामू से। राजा यार तुम मुझ प्यार हो गो। मेरी बिटिया ने चुनाव चुन तो बहुत अच्छा किया। और का आता ना जाता चुनाव चुन चाहता फिर कहे तो पानी कहां से आता। पर चिंता न कर अब हम तुम्हारी शादी प्रयाग देश के राजा याद के साथ करवाए। जल्दी करवाए तो तुम्हारी कसम रहो नहीं जाता पेट में लपल्ला 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 पर के रही डामू घुमाए। तुम्हारी कसम अब डामू तुम जी बिना रोए नहीं पे। तो तुम भाग जाओ। भाग नहीं जाए सड़क में एकदम। तो तुम्हें ना कटाई दियो। ना कटिया जाए तुम मूड कटिया। तुम्हारी कसम अब रो नहीं जाए नहीं तुम फिर चली जाए। किन के संग? डामू संग चली जाए इस घर की पीछे ठहरी है। तो जल्दी कराओ तुम्हारी कसम। तो चिंता न करो अब हम कोई शादी करवा देंगे प्रयाग उसके राजा याद के साथ। तो ठीक है एडा तो टीका भिड़वा दिया। बारात कितनी निश्चित हो गई। महाराज बारात लेकर के आए गणमासा बताया गया। सुबह हुआ महाराज याद दूल्हा बन गए। भावरे पड़ी। भावरे पड़ने के बाद शुक्राचार्य कहने लगे ए बृहस्पतिवार हाँ गुरुदेव अपनी बिटिया को जल्दी से तैयार करवाओ। करवाए रे बहुत जल्दी है बिटिया चंपकली। क्या है दादा? तुम बोलती हो तो जमाले पत्तवा एक कंठ में मिश्री बोलते हो। और का कहां कती लली कछु नहीं मठा के आलू बनाए रे। तुम्हारी जो जीभ बहुत सटकते हैं। सुन तो सटक रही। ऐसे करो तैयार हो कि नहीं? तैयार का यहां मट्टी चुपन ले कहीं क्रीम पाउडर पहन ले वाली फेस पाउडर से कछु ले आए जी बैठे कैसे उसे हुआ। कौन लेके आता? कमेटी वाले को पता नहीं कि बिटिया जा रही है। परिचय जी लाए नहीं कछु बिटिया के लिए पिता हो जा रही फेस पाउडर पहन ले वाली या कौन नहीं मालूम है। तामो मालूम नहीं है कि बिटिया जा रही है। तो कछु नहीं ना पहन ले वाली को छोटो ही मालूम पाजू ले आते हम चुप कर देते। चलो जो घर रखो सोई लगाए ले वो झूठो ही चुप ले लगो लगो। हां सही बता सही में ना मार ले तुम कोई लगा ले रे फिर तो रोए काहे कर रही हो। आगे बैठी आगे बढ़िया ढोलक बजाते अम्मा तुम्हारी देखो गले मिले अम्मा मेरे दद्दा था पीछे ही बैठो ओ दद्दा ओ दद्दा ने कहीं आया गले मिले गले मिले ओ मेरे भैया कहाँ है? कौन भैया? सुगा भाव वालो भैया कहाँ है? क्यों है भैया तुम्हारा? मैं कितने आया मैं गले मिले आजा और टामू कहाँ है मेरा टामू? टामू कहाँ है? मैं को बहुत चपक करने के रोए ले। अरे रोने बिटिया के ससुराल तो समय को जानो भाई। और ससुराल तो जाने तुम्हारे तो पेट में कट्टू मीठो लग रहा है। ए का होता है पेट में कट्टू मीठो हो रहा जल्दी इधर तो चल के रहियो न पल्ला न पल्ला। चल अब तो रो बंद करो। अब बिटिया तुम्हें आंसू ही कहूँ ना निकल रही आज का मेरा रेडीमेंट आंसू निकल रहे हैं। शुक्राचार्य कहने लगे हैं ए भैया राजा यार। हाँ महाराज अब हमारा तुम्हारा रिश्ता कौन है? बाप और बेटे का यानी कि ससुर और दामाद का। तो तुम्हें दरवाजा देना हुआ। क्या दरवाजा? कि पैदा के समय शुक्र जी बोले इस लड़की पर विश्वास न रहे।